वेलकम टू सीए गुरुजी चैनल। मैं हूँ पूजा और आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो। बजट 2019 अनाउंस हुआ है और बजट में हमें बताया गया है कि 5 लाख तक की इनकम पे कोई टैक्स नहीं है। बहुत सारे लोग ये वर्ड सुनते ही खुश हो गए हैं। उन्हें लगा है कि 5 लाख तक की इनकम पे टैक्स सभी के लिए एप्लीकेबल हो गया है और डायरेक्टली हमें देख लेना है कि 5 लाख तक हमारी इनकम है और हमारा टैक्स हो जाएगा एग्जाम्प्ट। पर ऐसा नहीं है। इसमें एग्जैक्टली कैलकुलेशन कैसे होगी, कैसे और किसे मिलेगी 5 लाख तक की इनकम पे छूट, जानने के लिए जुड़े रहे इस वीडियो के एंड तक, क्योंकि आपको एग्जांपल्स के साथ समझाऊंगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसलिए ढेर सारे लाइक्स दीजिएगा और शेयर करिएगा इसे और भी लोगों के साथ। सो लेट स्टार्ट। तो जो आप सुन रहे हैं कि 5 लाख तक की इनकम पे कोई टैक्स नहीं है, उसको समझने के लिए पहले आपके साथ शेयर कर रही हूँ इनकम टैक्स स्लैब रेट, जिसमें कोई भी चेंज नहीं है एज इट इज। जो इनकम टैक्स स्लैब रेट फाइनेंशियल ईयर 18-19 में था, वही फाइनेंशियल ईयर 19-20 में है। तो देखते हैं, पहले इनकम टैक्स स्लैब रेट आपको याद करा देती हूँ क्या है। इनकम टैक्स स्लैब रेट फॉर द इंडिविजुअल्स अप टू 60 इयर्स ऑफ एज एंड एचईएफ के लिए है, जिनकी इनकम है अप टू 2,50,000, उनके लिए टैक्स का रेट है नील। जी हाँ, कुछ लोग इसे रिप्लेस कर रहे थे 5 लाख के साथ कि शायद ये वाली एग्जाम्पशन 5 लाख हो गई है। जी नहीं, ये 2.5 लाख ही है। तो 2,50,000 तक की इनकम एग्जाम्प्ट है। 2,50,000 टू 5 लाख रुपीज 5% टैक्स लगता है। 5 लाख टू 10 लाख 20% टैक्स लगता है और 10 लाख से अबव इनकम होते ही 30% टैक्स लगता है। अगर सीनियर सिटीजन होते हैं तो ये जो एग्जाम्पशन की लिमिट है उनके लिए 3 लाख हो जाती है, और अगर सुपर सीनियर सिटीजन है तो उनके लिए 5 लाख हो जाती है। तो आई एम होपिंग यहाँ पे आप क्लियर है इनकम टैक्स स्लैब रेट, अब आपको पता चल गई है जो एप्लीकेबल हो रही है फाइनेंशियल ईयर 19-20 में। अब आपको ये जानना जरूरी है कि 5 लाख तक की इनकम पे कोई टैक्स नहीं है, फिर ये कैसे पॉसिबल हो गया। तो आपको इसके लिए एक रिबेट के बारे में बताना चाहूंगी। ये है रिबेट, रिबेट अंडर सेक्शन 87A। ये रिबेट होती है अगर आपकी नेट टैक्सेबल इनकम अप टू 5 लाख रुपीज है तो आपको टैक्स पे रिबेट मिलेगी 12,500 रुपीज, और ये है फॉर द फाइनेंशियल ईयर 19-20। फाइनेंशियल ईयर 18-19 तक जो रिबेट थी वो थी 3,50,000 तक की टैक्सेबल इनकम पे ओनली रुपीज 2,500। तो 19-20 में रिबेट हो गई है, जो आपके लिए अब एप्लीकेबल है इस साल वो है अगर आपकी इनकम नेट टैक्सेबल इनकम 5 लाख तक है तो आपको टैक्स पे रिबेट मिल जाएगी 12,500, और अगर आपकी इनकम 5 लाख से ज्यादा होगी तो आपको ये रिबेट नहीं मिलेगी। अब मैं आपको ये जो चीज है रिबेट है, जो आपको अभी शायद इतनी समझ नहीं आ रही है, मैं आपको विद एग्जांपल ये समझाऊंगी, आपको पूरी क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि कैसे ये कहा जा रहा है कि 5 लाख तक की इनकम पे कोई टैक्स नहीं देना है। चलिए जानते हैं, एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। आपको समझाने के लिए आपके साथ शेयर कर रही हूँ कंप्यूटेशन ऑफ इनकम, यानी कि इनकम को कैसे कंप्यूट किया जाता है, उसी के बेसिस पे हम जानेंगे कि क्या आपकी इनकम पे आपको रिबेट मिलेगा या नहीं मिलेगा। इनकम टैक्स के अंदर इनकम की 5 कैटेगरीज है। पहली है इनकम फ्रॉम सैलरी, यानी कि अगर आप कहीं पर जॉब करते हैं या आपको पेंशन मिलती है तो वो इनकम फ्रॉम सैलरी के अंदर कैटेगराइज होती है। दूसरी होती है इनकम, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, तो अगर आपने अपनी हाउस प्रॉपर्टी को रेंट पे दिया हुआ है या आपने हाउसिंग लोन लिया हुआ है वो कंसीडर होता है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में। तीसरा हेड होता है इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, तो अगर आप बिजनेस करते हैं या आप प्रोफेशनल हैं तो आपकी इनकम इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन के अंदर कैटेगराइज की जाती है। और अगर आपकी इनकम है कैपिटल गेन से, यानी कि आप कोई प्रॉपर्टी की सेल परचेज करते हैं या शेयर्स में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, उन केसेस में आपको लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है उस पर आपको टैक्स पे करना होता है और वो आपकी इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन में आता है। फिर जो इनकम आपकी इन 4 हेड्स में नहीं आती, जो सैलरी है, हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस एंड प्रोफेशन और कैपिटल गेन, उसके अलावा जो आपकी इनकम है जिसे आपको कहीं से इंटरेस्ट मिला है या फिर आपकी कहीं और अदर इनकम है, तो वो आपको इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में दिखानी होती है। जब आप इन 5 हेड्स की इनकम को ऐड कर लेते हो तो वो होती है आपकी ग्रोस टोटल इनकम, यानी हमने यहाँ पे क्या कंसिडर किया, सिर्फ आपकी इनकम।
इसके बाद इनकम टैक्स हमें डिडक्शंस के बारे में बताता है। इनकम टैक्स में कुछ डिडक्शंस दी गई है अंडर सेक्शन 80। सेक्शन 80 के अंदर फर्दर 80C to 80U सेक्शंस हैं, जिनमें डिडक्शंस की सेपरेट लिमिट्स हैं और उसी के अकॉर्डिंग आपको डिडक्शन मिलती है। जब आपकी ग्रोस टोटल इनकम में से डिडक्शंस माइनस हो जाती हैं तो बचती है आपकी नेट टैक्सेबल इनकम। इसी नेट टैक्सेबल इनकम को हमें देखना है कि आपको उस पर रिबेट मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो अब मैं आपको एग्जाम्पल के साथ यहाँ पे समझाऊंगी ताकि आपको पूरी क्लैरिटी हो सके। मैंने यहाँ पे टैक्स स्लैब भी लिख लिया है और इसी के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करके आपको टैक्स दिखाऊंगी कैसे 5 लाख तक की इनकम पे कोई टैक्स नहीं लगेगा। तो चलिए पहले केस में हम एज्यूम करते हैं कि एक पर्सन है मिस्टर राम, उनकी सैलरी से इनकम है 2,50,000। इसके अलावा उनकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में इनकम है 50,000 रुपीज। ठीक है, तो उनकी ग्रोस टोटल इनकम यहाँ पे आ गई 3 लाख। इन पांचों हेड्स की इनकम को हमने ऐड किया तो 3 लाख रुपीज उनकी इनकम आ गई। अब उनकी डिडक्शंस है सेक्शन 80C में, उन्होंने LIC ली हुई है 50,000 रुपीज की, तो यहाँ पे उनकी नेट टैक्सेबल इनकम आ गई 2,50,000। अब इस इनकम के लिए हमें स्लैब रेट देखना है। अब अगर हम स्लैब रेट में देखें तो 2,50,000 तक स्लैब पे टैक्स रेट है नील, तो इनका टैक्स रेट डायरेक्टली जीरो हो जाएगा। यहाँ पे किसी रिबेट की या फिर किसी और टैक्स कैलकुलेशन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो ये था सिंपल पहला केस जहाँ पे नेट टैक्सेबल इनकम डायरेक्टली 2.5 लाख हो गई, तो और कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, आपका टैक्स हो गया नील। अब बढ़ते हैं केस नंबर 2 बनाते हैं। मान लीजिए मिस्टर राम की इनकम थी 4,50,000 और उनकी अदर सोर्स में भी इनकम थी 50,000 रुपीज। तो अब उनकी ग्रोस टोटल इनकम कितनी हो गई, यहाँ पे सेम फॉर्मूला कॉपी कर लेती हूँ, 5 लाख हो गई। और डिडक्शंस उनकी है 50,000 की ही डिडक्शन है, हम अज्यूम कर लेते हैं, तो उनकी नेट टैक्सेबल इनकम यहाँ पे 5 लाख में से 50,000 माइनस करके हो गई 4,50,000। अब इस पे कैसे टैक्स कैलकुलेट होगा? अब 4,50,000 के लिए 2,50,000 तक की इनकम तो हो गई एग्जाम्प्ट, उस पे तो कोई एक टैक्स नहीं देना। अब क्या 4,50,000 पे डायरेक्टली मैं 5% लगा दूं? जी नहीं, इसके लिए अब मुझे क्या करना पड़ेगा, 4,50,000 में से जो टैक्स स्लैब एग्जाम्प्ट है माइनस 2,50,000, तो मेरा आएगा 2 लाख। इसके ऊपर मैं 5% टैक्स लगाऊंगी, तो इसमें मैं इसे मल्टीप्लाई कर दूंगी, यहाँ पे फॉर्मूला लगाते हुए यहाँ पे मैं इसे मल्टीप्लाई कर लूंगी इनटू 5% से, यानी कि यहाँ पे मैंने 2 लाख रुपए पे 5% टैक्स कैलकुलेट किया, तो यहाँ पे 4.5 लाख की इनकम पे टैक्स आ गया 10,000। आगे हमें जाना ही नहीं है क्योंकि इनकी इनकम इस स्लैब के अंदर आती थी 2,50,000 to 5 लाख, तो आगे की कैटेगरीज इन पे एप्लीकेबल ही नहीं होती, तो इनका टैक्स आ गया 10,000। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ टैक्स ऑन इनकम इनका आ गया 10,000। ठीक है, अब इस 10,000 पे रिबेट है अंडर सेक्शन 87A फाइनेंशियल ईयर 1920 में 12,500। क्या इन्हें पूरी 12,500 मिलेगी? नहीं, जितना इनका टैक्स है उससे ज्यादा नहीं हो सकती, इसीलिए ये रिबेट इनके केस में हो जाएगी 10,000। तो अब इनका टैक्स कितना हो जाएगा, प्लस अगर हम टैक्स में से रिबेट माइनस कर दें तो इनका टैक्स हो जाएगा 0। तो आप देख सकते हैं इनकी इनकम थी 4,50,000, तो इन्हें टैक्स देना पड़ा 0। तो आई एम होपिंग अब आप क्लियर हैं कैसे 4.5 लाख तक की इनकम पे कोई टैक्स नहीं देना पड़ा। अब एक केस और ले लेते हैं जिसमें एग्जैक्टली 5 लाख तक की इनकम हम अज्यूम कर लेते हैं कि ये पर्सन है, इनकी 4,50,000 की सैलरी इनकम, 50,000 इनकी अदर सोर्स की इनकम है, तो इनकी इनकम कितनी होगी, 5 लाख। हम अज्यूम करते हैं इनकी कोई डिडक्शन नहीं है, तो इनकी नेट टैक्सेबल इनकम हो जाएगी यहाँ पे 5 लाख। ठीक है, अब कैलकुलेट करते हैं 5 लाख पे टैक्स, करिए मेरे साथ साथ। तो अब मेरे हिसाब से आपको कैलकुलेशन समझ आ गई है। पहला जो स्लैब है 2,50,000, यहाँ पे टैक्स 0 ही रहेगा, 2,50,000 तक एग्जाम्प्ट है। नेक्स्ट कैटेगरी के लिए क्या फॉर्मूला लगेगा, मैं लूंगी 5 लाख तक की मेरी इनकम, उसमें से माइनस कर दूंगी 2,50,000 की जो पहली एग्जाम्प्शन है, उसमें मैं उसको मल्टीप्लाई कर दूंगी किससे, 5% से, तो मेरा टैक्स आ गया 5 लाख की इनकम पे 12,500 रुपीज। या नीचे मैंने जो टैक्स की लिखा है डिटेल, टैक्स में इनका हो गया 12,500, टैक्स ऑन इनकम है 12,500 जो अभी हमने ऊपर कैलकुलेट किया।
अब इसमें रिबेट अंडर सेक्शन 87 कितनी मिल जाएगी, 12,500, क्योंकि 5 लाख तक की इनकम पे 12,500 तक की रिबेट अलाउड है। तो अब इनका टैक्स कितना हो जाएगा, टैक्स ऑन इनकम में से रिबेट माइनस कर दूंगी तो जीरो टैक्स हो गया। तो आप देख सकते हैं 5 लाख तक की इनकम पे टैक्स हो गया जीरो, क्योंकि यहाँ पे रिबेट मिल जाती है अंडर सेक्शन 87 12,500 की। चलिए अब एक केस और डिस्कस करते हैं जहाँ पे इनकम 5 लाख से थोड़ी ज्यादा है। हम ये अज्यूम करते हैं कि इनकी सैलरी की इनकम 4,70,000 है और सभी चीजें सेम है। 50,000 की अदर सोर्स की इनकम है, तो इनकी टोटल इनकम यहाँ हो जाएगी 5,20,000। कोई डिडक्शन नहीं है तो यहाँ पे इनकी नेट टैक्सेबल इनकम हो जाएगी 5,20,000। अब करिए इसके लिए कैलकुलेट टैक्स, अब ये हो जाएगा जीरो। अब यहाँ पे जो इनकी इनकम है 5,20,000, ये चली गई तीसरी कैटेगरी में, ठीक है, क्योंकि 5 लाख तक वाली कैटेगरी में भी ये फॉल कर गए और 5 लाख से अबव इनकी इनकम हो गई है तो 20% वाली कैटेगरी में भी आ गए। तो पहले हम सेकंड कैटेगरी के लिए टैक्स निकालते हैं। ये लगेगा मेरा किस पे लगेगा, 5 लाख में से मुझे 2,50,000 माइनस करना होगा, 2.5 लाख की इनकम पे मैं कैलकुलेट करूंगी 5%, तो वो मेरा आएगा 12,500। अब इनकी इनकम जो बचती है, 5 लाख तक मैंने इनकम पे टैक्स निकाल लिया, 20,000 बचती है जो इस कैटेगरी में आएगी, तो 20,000 पे अब कितना टैक्स लग जाएगा, 20%, ठीक है। तो अब इनका इनकम टैक्स कितना हो गया, टोटल यहाँ पे कर लेते हैं हम, दिस प्लस दिस, ये हो गया 16,500। अब इस केस में क्या मैं ये रिबेट अंडर सेक्शन 87 माइनस करूंगी, जी बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये रिबेट तभी मिलेगी जब यहां पे आपकी नेट टैक्सेबल इनकम 5 लाख या उससे कम होगी। अगर आपकी नेट टैक्सेबल इनकम 5 लाख से ज्यादा हो जाती है तो आपको रिबेट का कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, यानी कि यहाँ पे इनकी इनकम 5,20,000 होते ही देखिए इन्हें डायरेक्टली 16,500 रुपीज का टैक्स पे करना पड़ गया, जबकि 5 लाख जिसकी इनकम थी उसे कोई टैक्स नहीं देना पड़ा। तो आई एम होपिंग अब आप क्लियर है कि कैसे ये कैलकुलेट होगा कि 5 लाख तक की इनकम पे टैक्स नहीं देना है और 5 लाख से इनकम अबव होते ही आपके ऊपर पूरी की पूरी टैक्स लाइबिलिटी आएगी, क्योंकि रिबेट अंडर सेक्शन 87 ए आपको नहीं मिलेगी। तो इस तरह से कैलकुलेट होगा टैक्स, और इस तरह से आपको अब देखना है कि क्या आपकी नेट टैक्सेबल इनकम 5 लाख की कैटेगरी में है या नहीं। तो हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है रिबेट को देखने के लिए वो है ये कैटेगरी जो है नेट टैक्सेबल इनकम। तो आपने देखा कि यहां तक तो मुझे रिबेट मिल गई, पर अगर मैं इससे ऊपर की इनकम में चली गई हूं तो मुझे कोई भी रिबेट नहीं मिल रही है। इसीलिए जो पूरा बेनिफिट हुआ है ये उन्हीं पर्संस को हुआ है जिनकी इनकम नेट टैक्सेबल इनकम रहेगी अप टू रुपीज 5 लाख। अगर थोड़ी सी भी 5 लाख से ज्यादा इनकम हुई तो आपको पूरा टैक्स देना पड़ेगा, आपको रिबेट नहीं मिलेगी। तो ऐसे होगा टैक्स कैलकुलेशन। आई एम होपिंग अब आप लोग बिल्कुल क्लियर हैं। अभी भी कोई कंफ्यूजन है तो मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और आपको क्या लगता है कि ये रिलीफ क्या अच्छा है या नहीं है, आपके लिए यूजफुल है या नहीं है। वैसे गवर्नमेंट का यहाँ पे मेन मोटिव यही है, वो यही है कि जो स्मॉल इनकम वाले पर्सन हैं, यानी कि जिनकी इनकम 5 लाख तक है, उन्हें मिले बेनिफिट, पर उससे ज्यादा की इनकम वाले पर्सन टैक्स पे करें और नेशन की तरक्की में अपना पूरा योगदान करें। आपको अपना फीडबैक जरूर शेयर करिएगा। आई एम होपिंग अब आप लोग बिल्कुल क्लियर हैं जो रिबेट हमें मिली है उसके लिए 5 लाख तक की इनकम क्यों टैक्सेबल नहीं है उसके लिए। तो और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो ढेर सारे लाइक्स इस वीडियो को दीजिएगा और शेयर जरूर करिएगा और भी लोगों के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें सीए गुरुजी चैनल को, बेल आइकन पे क्लिक करें सभी नोटिफिकेशंस के लिए, और ये करना बिल्कुल फ्री है।